हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों को यहाँ पे व्हाट्सएप में इस तरीके से दिस मैसेज वॉज डिलीटेड करके प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में क्यों आता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन पर भी इस तरीके से दिस मैसेज वॉज डिलीटेड का प्रॉब्लम आ रहा है तो गाइज़ यहाँ पे होता क्या है, आपने यहाँ पे अगर आपको कोई यहाँ पे मैसेज करता है व्हाट्सएप पे और वो जो मैसेज होता है उसको जो भी यहाँ पे आपको भेजा रहता है वो अगर जो है डिलीट कर देता है अपने तरफ से, तब आपके तरफ यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ शो करता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है पहले मेरे को मैसेज भेजा हुआ था और उसने जो है मैसेज भेजने के बाद उसको डिलीट कर दिया, तो इसके वजह से मेरे फ़ोन पर इस तरीके से यहाँ पे दिस मैसेज वॉज डिलीटेड का इशू आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इस मैसेज को नहीं पढ़ पाऊँगा, बट हाँ कुछ चांसेस होते हैं जिस कुछ सॉफ्टवेयर या तो फिर एप्लीकेशन की वजह से आप लोग यहाँ पे इस मैसेज को यहाँ पे पढ़ तो सकते हैं, बट यहाँ पे बहुत रिस्की रहता है। हो सकता है कि वो जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर आपके फ़ोन का एक्सेस वगैरह मांगता है तो ऐसे में जो है रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप लोग यहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर हाँ, अगर वो जो एप्लीकेशन है अगर आप लोगों के फ़ोन में प्ले स्टोर में अवेलेबल है तब आप लोग यहाँ पे बेझिझक वो एप्लीकेशन आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपके फ़ोन में क्यों आ रहा है इसके बारे में आपको पता चल गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।